वेलकम दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हमारी जो एक सीरीज चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास, उसका अगला वाला लेक्चर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या होना है तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें हमको ना थोड़ा सा मुगल काल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुगल काल में उत्तर मुगल काल, मुगलों के बाद का, तो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ये जरूरी है क्योंकि जब दुनिया में आधुनिक भारत चल रहा था, दुनिया में आधुनिकता चल रही, तब हम थोड़ा सा मिडिवल इंडिया में पढ़ना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि भारत में बाबर आया था, मतलब जो मुगल वंश का संस्थापक है भारत में वो बाबर है, क्योंकि हमारा आधुनिक भारत आधा से ज्यादा तो मुगल वंश के साथ ही निकल जाता है ना, तो इसे हम उत्तर मुगल काल बोलते हैं। पर हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बेसिक तैयार हो जाएगा कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो पहले बाबर आया था 1526 से 1530 तक, यानी 4 साल यहाँ पे भारत में, 4 साल में 4 युद्ध किए उसने और फिर मर गया, है ना। ठीक है, उसके बाद इनका पुत्र हुमायूं गद्दी पे बैठा 1530 से 1556 तक, इसका शासन रहा। लेकिन 1540 से 1556 तक इसे, मतलब 1540 से और 1555 तक इसे निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया था यहां से लड़के, और दोबारा ये आया 1555 में, 1555 से 56 तक 1 साल जिया, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर इसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा, लेकिन इसे भी इसके लिए युद्ध करना पड़ा सिंहासन लेने के लिए, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें अकबर जीत गया और अकबर फिर गद्दी पर बैठा और राजा बना, और फिर इसका शासन रहा 1605 तक, करीब 50 साल ये राजा रहा अकबर। ठीक है, अब इसके बाद इसका पुत्र जो था जहांगीर, वो शासक बना, राजा बना 1605 से 1627 तक, ये मुगल दरबार, मतलब मुगलों का राजा रहा। ठीक है, दिल्ली दरबार में रहा, दिल्ली का सबसे बड़ा शासक रहा, भारत का शासक रहा। उसके बाद शाहजहां, इनके बाद जो है शाहजहां बना, इनका लड़का था शाहजहां, तो शाहजहां बना और ये 1627 से 1657 तक इन्होंने भी राज किया। और उसके बाद अंतिम जो मजबूत राजा था, मतलब जिसे कहा जाता है, इसे ऐसे ही शुरू भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये था औरंगजेब। तो औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा, क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना के लाल किले में डाल दिया था और खुद राजा बन गया था, लेकिन बना उनकी मृत्यु के पश्चात ही, मृत्यु 1657 में हुई शाहजहां की, तो 1658 में खुद राजा बन गया। और 1707 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो राजाओं का क्रम चला, वो राजा बड़े कमजोर रहे, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था धीरे धीरे, तो इसको हम उत्तर भारत काल, उत्तर मुगल काल भी कहते हैं। ठीक है ना, अब उसमें राजा कौन कौन से थे, कैसे कैसे थे, उसके बारे में आगे शुरू करते हैं। तो औरंगजेब का एक पुत्र था मुअज्जम, तो मुअज्जम ने एक अपने भाइयों से लड़के किसी तरह से शासक बना मुअज्जम उसके बाद, जिसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है ना, और बहादुर शाह 1707 से 1712 तक शासक रहा, इसको शाहे बेखबर भी बोलते हैं, तो खफी खान ने इसको उपाधि दी थी शाहे बेखबर की, क्योंकि राजा तो था लेकिन इसका जो कार्य था ना, इसका कार्य इसका वजीर चला था, इसको पता नहीं था मतलब क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है, इसको बस विलासिता से मतलब था, इसको नहीं पता था क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला शासक बना वो जहांदारा शाह बना, और जहांदारा शाह को लंपट मूर्ख बोलते थे, इसका भी एक नाम था लंपट मूर्ख, और इसको भी मतलब ये इसको भी पता नहीं थी कि चल कर आया शासन में, बेवकूफी की बातें इसको करने की आदत थी, इसका शासक भी, इसका शासन भी इसका वजीर ही चलाता था। ठीक है, उसके बाद फर्रुख शियर एक शासक बने, फर्रुख शियर याद है ना, 1717 का स्वर्णिम फरमान अंग्रेजों को जिसने दिया, और भारत में मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वर्णिम फरमान में 3 शर्तें थी, एक तो मुंबई में जो सिक्के चल रहे थे उनको चला सकें, और बंगाल वगैरह में जो थे वहां पे आप वो बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे, है ना, और एक आध और ऐसी शर्तें थी जो मैंने आपको कल ही बताई थी, आप उसे वीडियो रिकॉल करके देखिएगा। ठीक है, उसमें 3-4 शर्तें ऐसी बड़ी महत्व है जो उन्होंने उससे ले ली थी फर्रुख शियर से। तो इसका भी एक उपनाम है घृणित कायर, ठीक है, इसे भी घृणित कायर कहा जाता है इतिहास में। अब बात कहूं फर्रुख शियर की, तो फर्रुख शियर वैसे तो जो बनाया था सैयद बंधु ने फर्रुख शियर को बनाया था, है ना, और जब नहीं समझ में आया तो फर्रुख शियर की हत्या करवा दी सैयद बंधु ने। ठीक है, अब
उसके बाद बीच में दो लोग आए, रफी उद दर्जात। तो रफी दर्जात जो था ये 1719 में रहे, ये फरवरी में गद्दी पे बैठे, जून में इनकी मृत्यु हो गई, इनको टीबी की बीमारी थी, ठीक है, टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो गई जून में, ठीक है। इन्हें भी सैयद बंधुओं ने बिठाया था, तो सैयद बंधुओं को जो ना राजा बादशाह बनाने वाला है ना, किंग मेकर कहा जाता है सैयद बंधुओं को, उसके बारे में आगे बताऊंगा जब इस चार्टर के बाद दूसरी इनकी पूरे बारे में डिस्क्राइब करूं ना, तब बताऊं कौन सैयद बंधु कैसे कहां क्या हुआ, ठीक है। बाकी फिलहाल तो इस पे देख लेते हैं क्या हुआ। फिर रफीउद्दौला बैठे, तो रफीउद्दौला भी 1719 में बैठे, ये जैसे जून में मरा रफीउद्दर्जात तो ये जून में बैठे, और ये भाई साहब भी रफीउद्दौला भी 1700 सितंबर में खत्म हो गए, 1719 सितंबर में इन्हें तपैदिक हो गई थी, पेचिस लग गए थे ने, और इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है, इन्हें भी सैयद बंधु ने बनाया था। अब तीसरा नंबर आया मोहम्मद शाह का, और मोहम्मद शाह जो रंगीला था उसे भी सैयद बंधु ने ही बिठाया था, लेकिन वो बहुत तेज था। उसने क्या काम किया कि उसे पता था कि उसने जो मेरे पहले तीन शासक थे उनके साथ भी उसने ऐसा ही व्यवहार किया था सैयद बंधुओं ने, जैसे उन्होंने फर्रुख शियर को मरवा दिया था, ये लोग अपने आप मर गए थे। तो उसने सोचा कि मोहम्मद शाह ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को मरवा दिया इस बार, समझे, ये स्थिति रही इनकी। अब मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, इसका भी उपनाम है रंगीला बादशाह। अब 1719 से 1748 तक इनका शासन रहा मोहम्मद शाह का। इसके बाद एक नए राजा बैठे जिनका नाम था अहमद शाह, ठीक है, और अहमद शाह जिस समय बैठे तो इनके समय पर ना भारत में राज्यों का टूटना शुरू हो गया, अब कुछ राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं, हम दिल्ली के गद्दी के अधीन नहीं है, ठीक है। उनमें चार नाम नीचे लिखे हुए, एक तो अवध के थे सादत खां, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद बंगाल के मुर्शिद कुली खां, बंगाल के नवाब, इन्होंने भी अपने आप को बता दिया कि हम स्वतंत्र हैं, हम नहीं किसी दिल्ली के अंडर रहेंगे। दूसरा हैदराबाद के चिनकलीज खां थे, इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और कर्नाटक के सादतुल्ला खां थे, इन्होंने भी अपने आप को कहा कि हाँ जी हम तो जो है आजाद हैं, हम किसी राजा वाजे के अंडर काम नहीं करेंगे, अपना स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर आया आलमगीर द्वितीय। अब ये नाम रखने आसान है क्योंकि याद रखने, क्योंकि बाद के जो है ना ये सारे के सारे द्वितीय है ना, लास्ट चार शासक जो थे ये सब द्वितीय हैं, जैसे आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक, फिर शाह आलम द्वितीय 1758 से 1806 तक, फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक, और फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। इन्हें जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, तो ये बहादुर शाह जफर है, ये वाले बहादुर शाह नहीं है तो मर गए थे तभी, ये बहादुर शाह जफर है, ठीक है। तो अंतिम शासक ये थे जिन्हें अंग्रेजों ने पहले बनाया और उसके बाद निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए रंगून भेज दिया, और वहीं इनकी मृत्यु हुई लास्ट में। अब बात करें से याद करने की, तो बड़ा आसान सा है, आप इसे एक बार याद करेंगे तो एक बार में तो सारा याद नहीं होगा, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं, रिलैक्स होकर दिमाग से फ्री होकर याद कीजिए, बहुत जरूरी है। हाँ, एक सवाल यहाँ बनता है कि जो दो राजा थे रफीउद्दर्जात या रफीउद्दौला का पूछ लेगा कि इन ये दोनों किन दो राजाओं के बीच में आए थे, तो फर्रुख शियर या मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, या पूछ लेगा फर्रुख शियर के बाद कौन सा था तो रफीउद्दर्जात, या मोहम्मद शाह से पहला कौन सा था तो रफीउद्दौला, या ये पूछ लेगा कि ये दोनों राजा जो थे फर्रुख शियर और मोहम्मद शाह इनके बीच में दोनों, देखो रफीउद तो दोनों के साथ लगाओ, एक दर्जात था एक दौला था, और ये 6-6 महीने जिए हैं तो आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही सवाल बनता है कि किन दो के बीच में ये आए थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब याद करने के लिए बड़ा आसान सा है कि पहले तीनों को नाम दिया गया, जैसे बहादुर शाह को शाह बेखबर, जफर जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुख शियर को घृणित कहा, लगातार याद करो शाह बेखबर लंपट मूर्ख घृणित कहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहादुर शाह जफर है ना, जहांदार शाह शाह आ गया इसका भी है ना, फर्रुख शियर, ये हमको याद हो जाएंगे आराम से, याद कर लो, ठीक है, आराम से। उसके बाद रफीउद्दर्जात रफीउद्दौला ही बड़े आसान है, दर्जात और दौला है, इनको सैयद बंधुओं ने बनवाया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद फिर आया मोहम्मद शाह, इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता, याद रहेगा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। उसके बाद आए अहमद शाह के टाइम में राज्य टूटे थे, इसलिए ये कमजोर शासक थे इस वक्त अहमद शाह, तो इन्हें इसलिए याद रखना आसान है। उसके बाद अरे बाकी सारे द्वितीय हैं, तो मैं ऐसे शॉर्ट बता देता हूं, जैसे आशा अब तो ऐसे याद कर लो, बस ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती नहीं है,
आप मतलब आशा, आ से आलमगीर, शाह से शाहआलम, आशा हो गई। और अब आशा है, क्या आशा है आपके पास? ऐसे अकबर और बस बहादुर शाह, ठीक है ना। तो ये इनका क्रम था जो कि हमें ये बताता है कि कौन कौन सा शासक किस किस के बाद आया, किसके टाइम पे क्या होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे का सफर के, इसमें क्या हुआ हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो हमें थोड़ा सा उत्तर मुगल काल पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हमारा शुरू होता है बहादुर शाह से। तो जो बहादुर शाह था, जो पहला था, उसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। उसके दो भाई थे, एक कामबख्श था और एक आजम था। तो था यही, औरंगजेब के तीन बेटे थे और औरंगजेब वसीयत करके मरा था कि मेरे कौन कौन सा बेटा कहाँ कहाँ का शासक रहेगा या किस किस समय पे कौन कौन राज करेगा। लेकिन उत्तराधिकार में जिसको राजा बनना होता है ना, उसे वसीयत से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल राजा बनना होता है। तो इसमें हुआ ये कि जो मुअज्जम था वो ज्यादा ताकतवर था और उसने दो युद्ध किए अपने भाइयों के खिलाफ। जो एक था जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध आगरा में किया उसने, और वो किया आजम के खिलाफ। और दूसरा युद्ध था बीजापुर का युद्ध, जो उसने कामबख्श के खिलाफ किया और दोनों से जीत गया। और उसके बाद वो खुद बैठा गद्दी पे बहादुर शाह के नाम से, ठीक है। नाम वास्तविक था उसका मुअज्जम। और 1707 से 1712 तक वह गद्दी पर आसीन रहा। दूसरी बात, वो एक सहिष्णु शासक था। दरअसल उसका जो बाप था औरंगजेब, उसे कट्टर मुस्लिम बताया जाता है, लेकिन ये सहिष्णु शासक था क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इन्हें लोग इनकी हत्या कर दी गई थी। तो हत्या करने के बावजूद इसके बाद जो सिखों के जो सरदार बने, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो बंदा बहादुर थे। और केवल एक बंदा बहादुर एकमात्र व्यक्ति थे जिससे इनकी नहीं बन रही थी, बाकी मराठा राजपूत जो भी थे उनके साथ इनकी सही से बनी हुई थी और सबके साथ मिलजुल के शासन चला रहे थे बंदा बहादुर को छोड़ करके, ठीक है। तो ये एक सहिष्णु शासक थे, इन्होंने अपने बाप की तरह असहिष्णुता नहीं दिखाई, जितने भी शासक थे उनके साथ मित्रत्व व्यवहार रखा ताकि शासन सही से स्वरूप से चल सके, ठीक है। उसके बाद अगले आए जहां दारा शाह। तो जहांदारा शाह जो है, इनको ना लंपट मूर्ख कहा जाता है। उसका कारण यह है कि इनका एक वजीर था जिसका नाम था जुल्फिकार खान। तो जुल्फिकार खान के नेतृत्व में ही, जुल्फिकार खान के कारण ही ये जहांदारा शाह राजा बने थे। तो इन्हें क्या काम था कि इन्हें कोई काम नहीं था, एक वेश्या थी लाल कुमड़ी नाम था उसका, तो उस पे आसक्त थे। तो अपना सारा समय उसी के साथ व्यतीत करते थे जिसके कारण ये बदनाम भी थे और ये राजकाज में कोई रुचि नहीं लेते थे और जुल्फिकार खान ही उनका शासन चलाया करते थे। तो इन्हें लंपट मूर्ख की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। दूसरा क्या है कि सैयद बंधु जो थे, उस वक्त सैयद बंधु आ गए थे और उन्होंने क्या काम किया कि इस जहांदारा शाह को मरवा दिया। इसको बताता हूं कैसे कि फर्रुख शियर ने राजकाज संभालने के लिए इनकी सहायता से जहांदारा शाह की हत्या करा दी और फर्रुख शियर अब गद्दी पर राजा बन बैठा। तो फर्रुख शियर की बात करूं तो फर्रुख शियर को घृणित कायर कहा जाता है, इसका उपनाम है। और 1713 से 1719 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। प्लस सैयद बंधु जो थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खान और एक का नाम था हुसैन खान। जब फर्रुख शियर को उन्होंने राजा बनवाया था तो फर्रुख शियर ने भी इस बात का उन्हें इनाम दिया, तो वजीर बना दिया, अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना दिया और जो हुसैन खान था उसे मीर बख्शी बना दिया। दरअसल मीर बख्शी जो होता था वो होता था सेना का अध्यक्ष, जो सेना होती थी उसका सेनापति को मीर बख्शी कहते थे, तो उसे मीर बख्शी की उपाधि दे दी गई। लेकिन बंदा बहादुर जो था उसके साथ संबंध इनके भी खराब थे। जब इनके संबंध खराब थे तो आगे दिखाया मैंने कि 1716 में बंदा बहादुर को इन्होंने फांसी दे दी, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया अंग्रेजों को, फर्रुख शियर ने 1717 में, और उसमें तीन बातें बता दी इन्होंने कि आप जो है 10,000 रुपए दे करके सूरत में व्यापार कर सकते हैं वार्षिक, 3,000 रुपए दे करके आप बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, तीसरी शर्त बंबई में जो आप अपने सिक्के चला रहे हैं आप इन्हें पूरे भारत में चला सकते हैं। तो इस फरमान को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। मैग्ना कार्टा मतलब वो जो सब बदल दे, एक अधिकार पत्र, उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो अगर सवाल आए कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1717 का स्वर्णिम फरमान जो फर्रुख शियर ने जारी किया उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत देश में, ठीक है। एक कार्य ये किया
कि जो राजा जयसिंह थे, जो राजस्थान के राजा थे, उन्हें सवाई की उपाधि दी फर्रुख शेर ने, तो उन्हें तब से सवाई जयसिंह कहा जाने लगा। तो एक सवाल आता है कि फर्रुख शेर ने सवाई, मतलब सवाल यह आएगा कि सवाई की उपाधि जयसिंह को किसने दी, तो फर्रुख शेर ने सवाई की उपाधि दी राजा जयसिंह को। ठीक है, अब अगले शासक आए रफीउद्दरजात। दरअसल हुआ ये कि फर्रुख शेर ने क्या काम किया कि फर्रुख शेर को भी ये लगने लगा कि जो हुसैन, ये जो सैयद बंधु थे, ये मतलब अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, ये बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे उसकी राजनीतिक कार्यों में और वह इन्हें हटाना चाहता था। तो जब इस बात का पता इन दोनों सैयद बंधुओं को लगा तो उन्होंने फर्रुख शेर को ही मरवा दिया। ठीक है, अब हुआ ये कि इसके बाद इन्होंने एक राजा बनाया अगला, जिसका नाम था रफीउद्दरजात। ठीक है, तो जब रफीउद्दरजात को राजा इन्होंने बनाया तो ये इन्हें बनाया इन्होंने राजा 1719 में, 1719 और ये भी 1719। तो हुआ ये कि 1719 में जनवरी में राजा बने और जून में रफीउद्दरजात की मृत्यु हो गई, इनको टीबी की बीमारी हो गई थी और ये मर गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा राजा इन्होंने बनाया रफीउद्दौला को। अब ये जून में राजा बना, सितंबर में इसकी मृत्यु हो गई, इसे तपैदिक हो गया था, पेचिस हो गए थे इसे और इसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये जो दोनों सैयद बंधु थे इन्हें किंग मेकर कहा जाता है या राजा बनाने वाला। ठीक है, तो सवाल आएगा कि सैयद बंधुओं को मतलब किंग मेकर किसे कहा जाता है या राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है, तो सैयद बंधुओं को कहा जाता है। उनका नाम क्या क्या है, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, दोनों सगे भाई थे। ठीक है, अच्छा अगले इसके बाद हुआ ये कि जब ये बन गए तो इसके बाद फिर से सैयद बंधुओं की मदद से अगला राजा बना मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता है या मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। 1719 से 1748 तक ये गद्दी पर बैठे, लेकिन इन्होंने देखा कि जो सैयद बंधु थे इन्हें, इन्होंने फर्रुख शेर को मरवा दिया था, इससे पहले इन्होंने जहांदारा शाह को मरवाया था जो कि फर्रुख शेर के कहने पे, फर्रुख शेर को इसलिए मरवाया क्योंकि फर्रुख शेर इनकी नहीं सुन रहा था। उसके बाद दो राजा बनाए वो अपने आप मर गए। तो मोहम्मद शाह को ये लगा कि जब जो पहले राजाओं के साथ किया है वो ही मेरे साथ भी करेंगे, तो इस बार उन्होंने क्या काम किया, सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया। तो सवाल आएगा कि सैयद बंधुओं का पतन किसने किया, तो मोहम्मद शाह ने या मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का पतन किया। ऊपर से इनके समय पे एक काम और होना शुरू हुआ कि भारत के कुछ राज्य टूटना शुरू हो गए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, जिसमें नाम है अवध, बंगाल, हैदराबाद आदि। ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, जैसे मुर्शिद कुली खान, चिनी कली खान, इन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र हैं, ये सब नवाब थे अपनी जगह पे कि हम किसी के अंडर नहीं काम करेंगे। ठीक है, लेकिन एक काम और हुआ कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ इसी के टाइम पे 1739 में। सवाल आता है कि उस वक्त कौन राजा था जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो राजा था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, जब मोहम्मद शाह रंगीला राजा था तो नादिर शाह को मैंने लिखा इधर कि ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है नादिर शाह को। दरअसल नादिर शाह जो है बेसिकली चरवाहा था। ठीक है, चरवाहा होने के बावजूद वो फारस का सुल्तान बना। ठीक है, अब एक नादिर शाह का एक करीबी था, उसने इनविटेशन दिया, उसने न्योता दिया दिल्ली पे, मतलब लड़ाई करने के लिए बुलाया उसे। तो नादिर शाह दिल्ली आया, दिल्ली में 57 दिन रहा, 57 दिन उसने लूटपाट की, भारी कत्लेआम मचाया और उसके बाद यहां से लूट कर ले गया कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस और अकूत धन संपत्ति। वो केवल यहाँ पैसे के लिए ही आया था, उसे और कोई कार्य नहीं था। ठीक है, तो नादिर शाह कितने दिन रहा यहाँ पे, 57 दिन रहा करीब दिल्ली में, और यहां से कोहिनूर हीरा कौन लेके गया, नादिर शाह लेके गया। और सवाल आएगा कि आखिरी राजा कौन था तख्ते ताउस पे बैठने वाला, तो मोहम्मद शाह रंगीला आखिरी राजा था जो तख्ते ताउस पे बैठा। तो यहाँ कई सवाल बनते हैं, देखो मैं लिखा तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। ठीक है ना, तो ये नादिर शाह था ऐसा। जब नादिर शाह वापस चला गया तो नादिर शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद वहां राजा बना अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो फिर अहमद शाह अब्दाली जो राजा बना, तो फिर यहां पे जो बना राजा वो अहमद शाह था, मतलब इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जो राजा बना यहाँ पे वो अहमद शाह था, और ईरान में जो राजा बना फारस में वो हमारा अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, दोनों बात अलग अलग हुई, अब याद रखना। आओ अल्लाह हुआ के ये लिख रहा, नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली राजा बना, और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 7 बार।
ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं कि जब बस मेन बात यह है कि अहमद शाह का आक्रमण किसके समय पे हुआ, तो अहमद शाह का आक्रमण अहमद शाह के समय पे हुआ, ठीक है। अब आगे क्या है कि एक यहां वैसे याद रखना, पूछे गए तख्ते ताउस को किसने बनवाया है, तो तख्ते ताउस को शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं याद रखने के लिए, शाहजहां ने तख्ते ताउस को बनवाया था, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल शाहजहां का वक्त, उसने तख्ते ताउस बनवाया था, ठीक है। अच्छा, अब हुआ यह कि जब नादिर शाह आया, नादिर शाह की मृत्यु होगी, तो अहमद शाह अब्दाली आया, और अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार हमारे यहां आक्रमण किया है। उसके बाद फिर बैठा अगला राजा, बैठा आलमगीर द्वितीय, जो कि दिल्ली के सिंहासन पे बैठा आलमगीर द्वितीय 1754 से और 1758 तक यहां पे रहा, ठीक है ना। उसके बाद हुआ है कि एक सवाल इसके टाइम पे हुआ बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, 1757 का प्लासी युद्ध। बस ये क्वेश्चन आएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में हुआ, और राजा कौन था, आलमगीर द्वितीय था, जिसके टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। अगला है कि अब अहमद शाह अब्दाली के साथ, हाँ आगे सुनिए, आगे होता है कि फिर बैठा इसके बाद राजा बैठा शाहआलम द्वितीय, शाहआलम द्वितीय बैठा 1758 से 1806 तक शाहआलम द्वितीय रहा। अब हुआ ये कि जब आलमगीर की मृत्यु हुई, तो शाह आलम द्वितीय उस समय बिहार में था, लेकिन एक था अकबर तृतीय जो दिल्ली में था, तो शाहआलम द्वितीय ने बिहार को वहीं से घोषित कर दिया कि मैं राजा हूं, और अकबर तृतीय ने घोषित कर दिया दिल्ली में बैठ के कि मैं राजा हूं। तो सवाल आता है कि किसके समय पे दो शासक थे, तो दिल्ली के दो शासक थे शाहआलम द्वितीय के समय पे, ठीक है। फिर शाहआलम द्वितीय वापस आया, उसने उस अकबर को, उस अकबर तृतीय के साथ युद्ध हुआ और उसे हराया, और उसके बाद फिर खुद शाहआलम द्वितीय राजगद्दी पे बैठा और ये अगला शासक बना, ठीक है। अब इसके टाइम पे क्या हुआ, तो शाहआलम द्वितीय के टाइम पे एक तो बक्सर का युद्ध हुआ जो कि 1764 में हुआ, ठीक है, विशेष है। फिर ये कब हुआ, ये युद्ध खत्म कब हुआ, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसके साथ ही युद्ध खत्म हुआ। फिर अगला युद्ध हुआ 1761 में, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, मराठा और अफगान जो आए थे लड़ने के लिए बाहर से, अहमद शाह अब्दाली लड़ा यहाँ पे, और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा हार गए, और मराठों का एक सपना था भारत पे राज करने का, जो कि यहां से टूट गया क्योंकि वो हार गए थे, इसके बाद वो आगे नहीं जा सके, ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट में हुआ ये कि शाह आलम को क्या किया इन्होंने, कि शाह आलम को अंधा करवा दिया, ठीक है ना। तो जब शाह आलम को अंधा करवा दिया, तो फिर इसने अंधेरे के बहुत दिन तक काम किया, और इलाहाबाद की संधि भी हो गई, तो एक अंग्रेज आया 1803 में जिसका नाम था लॉर्ड लेक। तो लॉर्ड लेक ने क्या काम किया, इसे जो है अंग्रेजों का संरक्षक दे दिया कि आज से आप अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे। तो शाह आलम द्वितीय के समय से ही मुगल बादशाह जितने भी थे संरक्षण में चले गए अंग्रेजों के में। देखा व्यापारी कितने मजबूत थे, व्यापारी लास्ट तक सोचते रहे ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पैसा आएगा, लौटेगा जरूर, कमाएंगे। पिटते थे यहीं रहते थे, फिर पिटते थे फिर यहीं रहते थे, उम्मीद थी एक दिन जीतेंगे, फिर वो जीते और उन्होंने भारत पे फिर राज भी किया, ठीक है ना। तो एक कहावत है, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एट लास्ट यू विल गेट सक्सेस, ठीक है, कोशिश करते रहो अंत में जीत आपकी होगी, एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, एक लक्ष्य बना लो आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आया अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के टाइम पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने एक काम किया बस कि राजा राम मोहन राय को बुलाया और कहा कि हमारे एक संदेशा ले जाइए महारानी एलिजाबेथ तक और उन्हें बताइए कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो इनके टाइम पे तो ये काम हुआ। दूसरा, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। बस एक ये सवाल बनता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने। और अगला आया फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर, जिन्हें जफर भी कहा जाता है, तो इनके साथ केवल एक बात थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम राजा थे और 1857 की क्रांति इन्हीं के टाइम पे हुई और इन्होंने उसका नेतृत्व भी किया। नेतृत्व क्या, बूढ़ा हो चुका था राजा, और जब क्रांति मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंची तो राजा ने नेतृत्व किया, लेकिन
हार जा हाँ, बूढ़ा होने के कारण राजा हार गया और अंग्रेजों ने इसे बंदी बना लिया और बंदी बना के रंगून भेज दिया निर्वासित जीवन जीने के लिए। और उसके बाद 1862 में राजा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा आधुनिक काल जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और कैसे कैसे अंग्रेज यहाँ स्थापित हुए, कौन कौन सी कंपनियां किस किस टाइम पे स्थापित हुई और अंग्रेजों का शासन भारत पे किस तरह से हुआ। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये सब देखने के लिए। अब मैं इस सारे के ऊपर MCQs बनाऊंगा, क्वेश्चंस बनाऊंगा और अगली वीडियो में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप इन चारों वीडियोस को देखें जरूर, बहुत काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में काम आएंगे। बस आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ आ रही तो एक बार और देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, राजाओं का क्रम याद हो जाएगा। और ये इनसे बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि मध्यकालीन भारत जो हमारा जो आधुनिक भारत है हमारा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस को देख सकें जो भी मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जिन जिन्होंने किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूं और आप पढ़ सकें। ठीक है जी, धन्यवाद।